नमस्कार, आप देख रहे हैं आठ भट्ट न्यूज। खबर नालंदा से है। नालंदा पुलिस को दो अलग अलग थाना इलाकों में मिली बड़ी सफलता। जहां एक ओर होली पर्व के दौरान शराब माफिया बड़े पैमाने पर शराब इकट्ठा करने में जुटे हैं, वहीं पुलिस भी इन कारोबारियों के खिलाफ अपना अभियान तेज करते हुए उनके मंसूबों पर पानी फेरने का काम कर रही है। इसी कड़ी में दीपनगर थाना क्षेत्र के कपड़ा कारोबार की आड़ में किए जा रहे अवैध शराब के कारोबार का पुलिस ने उद्भेदन किया है और बड़ी मात्रा में अवैध शराब को बरामद किया गया। इस मामले में कपड़ा कारोबारी दंपत्ति को गिरफ्तार किया गया है और उनके मकान को भी सील किया गया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर डॉक्टर सिबली नोमानी ने क्या कुछ बताया, देखे इस रिपोर्ट में। ये इस रेडीमेड हौजरी जो इनका फैक्ट्री है उसके आड़ में विदेशी शराब को बाहर से लाकर ये उसको बेचते थे। तत्काल उनको और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी हुई है मौके वारदात से और जो स्थान है बरामदगी स्थान को हम लोग विधिवत सील किए हैं और इसमें इनका जो मैं सोर्सेस वगैरह है जहां से उन्होंने लाया है शराब को जो लाते देते थे उस संबंध में हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। कल जो है पुलिस अधीक्षक महोदय के संज्ञान में आया कि हरनौत थाना क्षेत्र और कल्याण बीघा ओपी इत्यादि क्षेत्रों में कुछ राहगीरों से छिनताई की घटनाएं घटित हो रही हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा संज्ञान लिया गया और बताया गया कि अविलंब इसमें कार्रवाई किया जाए। प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में हम लोगों ने कार्रवाई किया है। उन्हें कल हरनौत थाना क्षेत्र ही में एक डकैती की घटना दिन दहाड़े घटित हुई थी जिसमें नूरसराय के लड़कों को फोटोशूट करने के बहाने बुलाया गया था और उससे उसका मोटरसाइकिल कैमरा इत्यादि कैश मोबाइल इत्यादि लूट लिया गया था। इस केस की गंभीरता के दृष्टिकोण से लगातार इसमें जो आसपास के ओपी अध्यक्षों की टीम बनाई गई और इस घटना का हम लोगों ने 24 घंटे के अंदर सफल उद्भेदन किया है। जो लूटे हुए जो कैश है उसमें 4200 रुपये जो उन लोगों के पास से लूटा गया था उसकी रिकवरी हुई है। कुल 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है।